चाय की थड़ी पर आम लोगों के बीच आम लोगों की तरह जब चाय पीते दिखे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, तब वहां मौजूद लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भला कौन सा नेता किसी छोटी सी चाय की दुकान पर यूं रुककर चाय पीता होगा। सीएम भजन लाल बिल्कुल आम आदमी की तरह चाय की दुकान पर आए और वहां बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगे। इस बीच कई लोगों ने इस पल को अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। चाय वाले की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तो शायद कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन मुख्यमंत्री खुद उसकी चाय की दुकान पर आकर चाय पियेंगे। सीएम ने न सिर्फ चाय पी बल्कि वहां मौजूद लोगों के साथ सहज होकर बातचीत भी करते दिखे। सीएम भजन लाल की ऐसी सादगी देखकर वहां मौजूद तमाम लोग अभिभूत हो गए। इस दौरान सांसद रामचरण बोहरा भी मुख्यमंत्री के साथ दिखे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्ट्रीट वेंडर को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही वोकल फॉर लोकल के द्वारा स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी नेक मकसद को कामयाब बनाने को लेकर सीएम भजन लाल ने ये कदम उठाया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब सीएम आम आदमी की तरह पेश आए हों। पिछले दिनों वो जयपुर की एक रेड लाइट पर अपना काफिला रोककर खड़े हो गए और ये संदेश दे डाला कि हर आदमी के लिए नियम बराबर होने चाहिए, वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, ताकि उनकी वजह से आम आदमी को ट्रैफिक की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सीएम भजन लाल जब मुख्यमंत्री बने थे तब वो एक दिन अचानक ही सुबह सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक करने निकल पड़े और आम लोगों के बीच पार्क में टहलते, उनके साथ बात करते और सेल्फी खिंचवाते दिखे थे। सीएम भजन लाल शर्मा भी एक साधारण परिवार से आते हैं। वो पहली बार ही विधानसभा का चुनाव जीते थे। उनकी इन्हीं सब खूबियों की वजह से ही शायद बीजेपी आलाकमान ने उन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि एक आम आदमी ही आम आदमी की समस्याओं को समझ सकता है, महसूस कर सकता है और उसका सही समाधान भी निकाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।